प्रदेश के अमरोहा नगर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सचिन चौधरी आज उपवास पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना अनुमति उपवास पर बैठे एक आदमी पर धारा 144 लागू नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन पर अनुमति न देने और कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर और झूठा बताया है। सूचना के बाद हालांकि पुलिस ने कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को तुरंत हिरासत में ले लिया है और गोपनीय स्थान पर नजरबंद किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता को आज शाम तक के लिए नजरबंद किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को भी पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर रखा है। बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन चौधरी बीते दिन प्रेस वार्ता कर 2 दिन का उपवास का ऐलान किया था और गांधी मूर्ति पर उपवास कार्यक्रम तय किया था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। कांग्रेस के कुछ नेता नहीं पहुंच पाए, लेकिन सचिन चौधरी अकेले अपने दम पर गांधी मूर्ति पहुंचे और उन्होंने गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर अपना उपवास शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे नहीं उतरे। उनका कहना है कि वह नागरिकता संशोधन कानून को वापस कराने की मांग को लेकर अपना विरोध कर रहे हैं। 2 दिन का उपवास उनका कल तक चलेगा। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं पर धारण धमकाने का आरोप लगाया है और इस कानून के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार क्यों डर रही है, विरोध प्रदर्शन से यह सरकार अनुमति नहीं देना चाहती, लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। जी बताओ सचिन जी, जो आज आप यहाँ पर बैठे, क्या मामला है? ये सीए के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है, ये कानून वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। कल हमने शासन प्रशासन को कहा था कि उपवास करेंगे, परमिशन मांगी गई थी हमारे कुछ लोगों के साथ, प्रशासन ने मना कर दिया, परमिशन नहीं दी। रात को 10 बजे परमिशन कैंसिल करके हमें मना कर दिया और हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे शहर अध्यक्ष जी दोनों को घर में बंद कर रखा है, हमारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। और प्रोटेस्ट से पता नहीं इतना क्यों डरते हैं, कोई भी ऐसा कानून ना लाया जाए जिससे हमारे देश का सौहार्द खराब हो, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ बनी रहे, इसी के विरोध में आज और कल ये हमारा उपवास है। ये कानून वापस ले लिया जाए, हम यहाँ से उठ जाएंगे। तो आप जो है यहाँ पर जो बैठे हैं, अकेले आए हैं, तो बाकी कांग्रेसी जो है आप कह रहे हैं कि अकेले बैठने पे कोई आचार संहिता लागू नहीं होती। 144 का जो धारा है, 144 एक व्यक्ति पे लागू नहीं होती। प्रशासन का कहना है 144 लगी हुई है और जो भी हमारे जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उन्हें स्पेशली घर पे जाके डराया धमकाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप बाहर निकले तो 144 के उल्लंघन के रूप में इतने केस लगाएंगे कि आप बाहर नहीं आ पाएंगे कभी भी। इतनी दरिंदगी सरकार है, बिल्कुल नपुंसक सरकार है। मैं कहूंगा कि जो सरकार नपुंसक है वो सरकार बदलनी है, ये नारा है उत्तर प्रदेश का। सपा के नेता है रामनाथ कोविंद, उन्होंने कहा है जो सीए का विरोध करेगा हम उसे पेंशन देंगे, क्या रामनाथ कोविंद का बयान आया है कल इन्होंने विपक्ष के नेता? मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश का मसला है और इस देश में इस कानून की आवश्यकता नहीं है और कोई जरूरत नहीं है आपस में स्वार्थ खराब करने की। ये कानून वापस लेके जैसे हमारे यहाँ पे लोग रहते चले आ रहे हैं वैसे रहिए। और प्रोटेस्ट इतना डरते क्यों है भाई? मतलब 50 आदमी उपवास पर अगर बैठ रहे हैं, अपने आप किससे कहेंगे? आपके पास तो सरकार है, हम किससे कहें, जनता किससे कहे? आप मुस्लिमों को इतना डरा रहे हैं कि आप घर से निकल नहीं सकते। हमारे जिला शहर अध्यक्ष को इतना डराया है इन्होंने, परवेज जी को, टीटू जी को, वो कह रहे हैं कि साहब कह रहे हैं केस लगा देंगे आपके ऊपर, इंचार्ज चौकी इंचार्ज कह रहा है कि इतने केस लेंगे छूट नहीं पाएंगे। ये क्या तरीका है? हमने देश किस तरफ लेके जा रहे हैं हम देश को यार, कि मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल डरा के रखना है क्या? सचिन जी, इसमें मुस्लिम को टारगेट क्यों किया जा रहा है? नागरिकता संशोधन कानून पे आप स्पेशल मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम को क्यों डराया जा रहा है? मुस्लिम को क्यों डराया जा रहा है? मैं खुद शासन प्रशासन से पूछता हूँ, सवाल 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 वही है, सवाल वही है कि कांग्रेस जो है और आप जो है कि सिर्फ मुस्लिम को टारगेट पर चले रहे हैं। अरे हम क्या, यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? शासन प्रशासन ले रहे, हम नहीं ले रहे। हम तो चाहते हैं कि सब धर्मों के लोगों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है भैया जी। इस देश में हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, सब ने ये देश आजाद कराया और सबका है ये देश। ये किसी के बाप का नहीं है, ये रंगा बिल्ला की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई शाखा नहीं है आरएसएस की, ये देश है और देश जो है सब धर्मों से मिलकर बनता है। इसे कौन डिसाइड करेगा? आज आप छोटी छोटी बातों पे लेके आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे भैया, लोग प्यार से रहते हैं, अमरोहा में तो बिच्छू भी डंक नहीं मारता भाई, यहाँ पे कैसे आप लोगों ने नफरत फैलानी शुरू कर दी? हम इसका विरोध करते हैं। और एक सवाल मेरा यह है कि लड़ाई नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में है या सरकार के विरोध में है? ये लड़ाई इस बिल के विरोध में है, ये बिल वापस लिया जाए,
जो कानून बनाया है ये वापस लिया जाए, बस हमारी यही लड़ाई है। और ऐसा कोई भी कानून ना लाया जाए जिसकी देश से, इकोनॉमी से, रेस्पेक्ट से और लोगों से मतलब ना हो। आप मुझे बताइए क्या कोई मतलब है इस कानून का सिवाय नफरत फैलाने के? दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, आप कानून ले आए। कहीं के चुनाव आते हैं, आप नोटबंदी कर देते हैं। यार कहीं के भी मतलब आप हैं कौन? बीजेपी कहती है 21 लाख लोगों का जो सलाह थी उन्हें। अरे यार मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 130 करोड़ है उनका, सोचो 21 लाख, 20 लाख, 10 लाख कहाँ है ये लोग, कौन ढूंढेगा इन्हें? कल मोदी जी ने बोला है कि जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो अत्याचार कायर हैं, डरते हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री है, और मैंने कल भी साबित किया था, आज भी कर दूंगा साहब। मैं 130 करोड़ लोगों के बारे में सोचो, 20 लाख 10 लाख के बारे में मत सोचो। ये देश 130 करोड़ लोगों की आबादी का है बड़े भाई। झूठ बोलने पर तो राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। अरे मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी सत्ता में है क्या? माफी सत्ता में है क्या? किसने मांगी? जो सत्ता में है उसको लोग फॉलो करते हैं। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी ने देश का नाश कर दिया, सत्ता नाश कर दिया है। एक भी चीज सस्ती नहीं हुई है पिछले 5-5.5 सालों में। ठीक है, JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।